Good morning, students. As we have already started our third unit, cyber ethics, कुछ टॉपिक्स हमने उसके कल डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग फ्रीवेयर. कल हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किए थे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं. टुडे वी विल डिस्कस वॉट इज फ्रीवेयर. आपको सुनने में मे बी ये सेम ही लग रहा हो, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है? कल हमने देखा था जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद यू दिस सोर्स कोड इज अवेलेबल, you can do the modifications, you can redistribute it, ठीक है. और open source software और free open source software में एक difference था, sometimes you have to pay a little amount, but in free open source software आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप कोई भी amount pay करें. Next is your freeware. It is a kind of software जो free of cost available है, as the name says. Freeware कह रहे हैं तो free of cost है. It allow you to make the copy. हम copy किस लिए बनाते हैं? They give us the authority to redistribute it. मतलब हम आगे इसको forward कर सके, लोगों को इसकी copy send कर सके. ये legal है, मतलब illegal नहीं है, pirated नहीं होगा. तो हमारे पास free of cost software है, we can make the copy और redistribute कर सकते हैं. But the only difference is we cannot do modifications. अगर हम चाहें उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि इस केस में जो सोर्स कोड है जिसके थ्रू मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता. सोर्स कोड अवेलेबल नहीं कराया, इस वजह से हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. मतलब जैसा सॉफ्टवेयर बना है एज इट इज वैसा ही हम यूज कर पाएंगे, ठीक. तो इसी वजह से इसका और ओपन सोर्स और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक मेजर डिफरेंस है कि वहां पे आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है. बाकी सब चीजें कॉमन है. फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी है. उसमें भी कॉपी कर सकते हैं, इसमें भी कॉपी कर सकते हैं, उसे भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसे भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बस उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, जो कल हमने पढ़ा. आज के केस में फ्रीवेयर में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज योर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये कंप्लीटली पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इसके लिए आपको कुछ न कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को असेस कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड एज द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल. सोर्स कोड अवेलेबल नहीं कराया हुआ, तो इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग यू कांट चेंज. जैसा प्रोवाइड किया हुआ है वैसे ही इसको यूज करना है. और इस केस में अगर हम कॉपी बना के लोगों को वो सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, लोग उसे यूज करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहेंगे. ओरिजिनल या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, बिकॉज इन ऑर्डर टू यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू हैव टू पे सर्टन अमाउंट. इफ समबडी इज नॉट पेइंग, वो किसी थर्ड पर्सन से ले रहा है, थर्ड पार्टी से ले रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज यूजिंग अ ही और शी इज डूइंग अ इललीगल थिंग और यूजिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक. तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, हम किसी से सॉफ्टवेयर ले लेते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट लीगल. आप इसे अगर प्रॉपर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो यू शुड परचेज दिस. आपको इसे परचेज करना चाहिए बिकॉज इट इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ये किसी की प्रॉपर्टी है, किसी ने इसे बनाया है, तो आपको उसको यूज करने के लिए यू हैव टू पे समथिंग, ओके. सो ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में था जिसमें हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा, फ्रीवेयर पढ़ा और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पढ़ा. नेक्स्ट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. क्या होते हैं? जिसे हम आईपी भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आईपीआर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट विच इज क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल थॉट. इसका मतलब क्या है? ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है. इनटेंजिबल एसेट का मतलब, टेंजिबल एसेट होते हैं जो प्रोडक्ट है, कोई चीज है,
ये इनटेंजिबल एसेट है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अब हम किसी आपको एक चार्ट बनाने को कहा है, ठीक है, सब बच्चों का अपना एक आइडिया है, सभी का अपना एक कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सभी अलग अलग सोचेंगे, तो वो उनका अपना आइडिया हो गया, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। सो इंटेंजिबल एसेट फ्रॉम एन ओरिजिनल थॉट जो आप क्रिएट करते हो, जैसे अपना आइडिया, अपना नेम देना, एक डिजाइन देना, कोई लोगो देना, वो सब चीजें क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं कुछ डिजाइन करूंगी, इट्स माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू आर डूइंग वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक, यू आर वर्किंग ऑन द सेम चार्ट, यू आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, बट आपका क्राइटेरिया, आपका आइडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो वो क्या हो गया, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट है किसी का, एक एक्सक्लूसिव राइट है किसी का उस चीज को यूज करना और शेयर करने के लिए। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यू कैन नॉट यूज समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी और के आइडियाज और उनको अगर हम शेयर करते हैं तो दैट मींस दे आर यूजिंग समवन आइडिया, तो वो इट्स नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ आईपीआर में आपके पास चार मेन चीजें आती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट। क्या है ये? कॉपीराइट, इट ऑफर्स एक्सक्लूसिव राइट फॉर प्रोटेक्टिंग the authorship of original and creative work like songs, music, movies, etc. इसका मतलब है कि आपका जो original काम है वो आपके name से ही use किया जाए, कोई और उसको use ना कर पाए, उसके लिए हमें अपने काम का copyright लेना पड़ता है। ये एक person को particularly दिया जाता है जिससे उसका जो content है उसको हम ओरिजिनल ही रख सके या सेफ रख सके, कोई थर्ड पार्टी उसे यूज ना कर पाए, राइट। नेक्स्ट इज योर पेटेंट। पेटेंट का मतलब है ये भी एक्सक्लूसिव राइट है टू द इन्वेंटर फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इन्वेंशन। मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी ने कोई इन्वेंशन की, अब वो इन्वेंशन उसी के नाम पे ही रहेगी, कोई और उसको अपना नेम नहीं दे सकता, बट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके लिए हमें क्या कराना पड़ता है, पेटेंट कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जनरली लोगोज वगैरह को कहते हैं हम, जैसे कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, तो उन्होंने अपना एक लोगो बनाया हुआ है, उस चीज को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। कोई उस लोगो से उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल जैसे ISI है, तो उसका एक अपना लोगो है। कोई आपका पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे रीबॉक है, नाइके है, तो उसका अपना एक पर्टिकुलर लोगो है, वो सब क्या है, ट्रेडमार्क, जिससे उस कंपनी को हम एनालाइज करते हैं, रेकोगनाइज करते हैं, कोई थर्ड पर्सन उस डिजाइन को एज इट इज यूज नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच में आते हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव ने इसे डिजाइन किया हुआ है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते। नेक्स्ट इज योर ट्रेड सीक्रेट। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट डिजाइन, सीक्रेट टेक्निक यूज बाई कंपनी इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट टू गेन एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, कुछ प्रमोशंस के लिए फ्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिशंस कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ट्रेड सीक्रेट में। दैट मींस अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, व्हाट एवर द टेक्निक यू आर यूजिंग इज नोन एज ट्रेड सीक्रेट। फ्री में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराना, कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ना, ये सभी चीजें क्या है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। कुछ फ्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे बाय वन गेट वन करते हैं लोग, इफ यू परचेज एनीथिंग यू विल गेट अनदर वन, आप परचेज टू करेंगे यू विल गेट वन, और अगर आप
1000 या 2000 रुपीज से ज्यादा का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको सर्टन ऑफ देते हैं, ये सारी चीजें क्या ट्रेड सीक्रेट। दैट मींस इन ऑर्डर टू इनहेंस योर ट्रेड, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर बिजनेस, वॉट एवर द टेक्निक यू आर यूजिंग, वॉट एवर द डिजाइन यू आर यूजिंग, वॉट एवर द फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग टू गेन द एडवांटेज, इज ऑल कम अंडर द ट्रेड सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट इज योर प्लैगरिज्म। वॉट इज प्लैगरिज्म? किसी दूसरे पर्सन के आइडियाज, उसका वर्क, उसके कंटेंट को कॉपी करना और अपना बनाना, उसे कहते हैं प्लैगरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंसिडर कीजिए कि वी आर कंडक्टिंग अ रंगोली कॉम्पिटिशन इन योर क्लास, ठीक है। अब सभी का अपना एक परस्पेक्टिव है, दे आर हैविंग देयर ओन थॉट प्रोसेस, उस हिसाब से कर रहे हैं। बट जब हम किसी सेकेंड पर्सन का आइडिया देख के उसे अपने में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको, उसे कहा जाता है प्लैगरिज्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ क्राइम, ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो प्लैगरिज्म को अवॉइड कैसे करना है, इसके लिए क्राइटेरिया है फ्रेजेस, एक्सप्रेस समवन आइडियाज इन योर ओन वर्ड। जैसे आपको किसी का आइडिया अच्छा लगा, यू कैन यूज इट बट नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नहीं, उसमें अपना ही कुछ क्रिएटिविटी अगर हम इन्वॉल्व कर दें तो वो प्लैगरिज्म नहीं होगा। सेकेंड वन इज योर कोटिंग। कंसिडर कीजिए किसी ने कोई सेंटेंस बोला, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी ने कोई फ्रेज कहा, यू आर लाइकिंग इट, आप उसे यूज करना चाहते हैं। इफ यू आर यूजिंग इन इट इन योर कंटेंट, तो अपना कहने की जगह पे अगर हम ये नाम लेके बताएं कि ये वर्ड्स इनके हैं, तो उसको प्लैगरिज्म नहीं कहते, बिकॉज हम कॉपी नहीं कर रहे, हम सभी को बता रहे हैं कि वी आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट। जैसे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम नीचे लिखते हैं या बताते हैं कि भाई अब्दुल कलाम, तो वो क्या है, कोट कर रहे हैं हम, तो वो प्लैगरिज्म के अंडर नहीं आता। नेक्स्ट इज योर साइटिंग। मतलब जब आप किसी ऑथर का, किसी थर्ड पर्सन का कोई कंटेंट यूज करते हैं, तो हमें उसका नेम मेंशन कर देना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें बता दिया कोटिंग में। लास्ट इज योर रेफरेंस। अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में किसी थर्ड पर्सन का, यूट्यूब का कोई लिंक यूज करते हैं, या फिर किसी का कंटेंट यूज करते हैं, कोई बुक रेफर करते हैं, तो लास्ट में हमें रेफरेंसेज में लिख देना चाहिए कि हमने यहाँ यहाँ से मटीरियल लिया है, तो वो प्लैगरिज्म का पार्ट नहीं होगा। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग इट, आप छुपा रहे हैं, देन इट इज अ प्लैगरिज्म। सो इफ यू आर यूजिंग थर्ड पार्टीज आइडियाज, हिज क्रिएटिव वर्क, हिज एग्जांपल्स, हिज कोट्स, तो मेंशन देम, उन्हें बताएं कि मैंने ये इसका यूज किया है, तो वो प्लैगरिज्म के अंडर नहीं आएगा। लास्ट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू आर क्रिएटेड बाय यू दैट एग्जिस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब जैसे इंटरनेट पर, ऑनलाइन, हमारे स्टोरेज मीडिया में जो भी हमने डेटा हमारा है, हमारे पिक्चर्स, हमारा डेटा, हमारी फाइल्स, हमारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें क्या होती है, डिजिटल प्रॉपर्टी। और डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब है इस प्रॉपर्टी को कितना हम यूज कर पाए और लोगों को कितना प्रिविलेजेस दे रहे हैं उसे यूज करने के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। कंसिडर सोशल मीडिया पे आपका एक आईडी है, यू आर यूजिंग फेसबुक, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, तो आप अपनी पिक्चर्स अलाउ करना चाहते हैं या नहीं चाहते कि कोई उसे देख पाए या ओपन कर पाए, या हम लॉक करके रखते हैं उसे, क्या उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेस देना, तो वो हमारा क्या, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। हमारे इंटरनेट पर जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कितना ग्रांट हम दे रहे हैं, कितनी परमिशंस हम दे रहे हैं उसको यूज करने की या ना यूज करने की, उसे हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में या फिर किसी भी डिजिटल फॉर्म में जो डेटा पड़ा हुआ है, दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, जिसमें आज हमने मेनली प्लैगरिज्म के बारे में पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और डिजिटल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। प्लैगरिज्म मतलब स्टीलिंग समवन आइडियाज, और डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब ऑनलाइन हमारा डेटा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो वी आर डन विद द थर्ड यूनिट, साइबर सेफ्टी। थैंक यू।